हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम फिर एक रेसिपी आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। ये है पनीर। आज नए तरीके से, बिल्कुल रेस्टोरेंट तरीके से बताऊँगी। ये हम टमाटर काटे हैं, 2 टमाटर है। मैं ज़्यादा टमाटर नहीं करी क्योंकि खट्टी हो जा रही है। इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा बादाम, और ये काली मिर्च कुल्की, नारियल का बुरादा है। इसको सब पीस लेते हैं, बढ़िया सा पेस्ट बना लें। सरसों का ऑयल डालें, तेजपत्ता, 1 इलायची लौंग, अदरक 1/2 चम्मच, इसी में जीरा। तो ये तड़क चुका है। इसमें मैंने 4 पतली मतलब महीन बारीक कटी हुई प्याज। तो प्याज हमारा गोल्डन हो चुका है। इसमें है आता है 1 चम्मच अदरक लहसुन का, तो थोड़ा सा पका लिए हैं। इसमें डाल देते हैं, उसी में हम धोकर डाल देते हैं नमक अपने अनुसार। इसको नॉर्मल आंच पे भूनने दे। कश्मीरी लाल मिर्च और 2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच 1/2 चम्मच और धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, ये इलायची पाउडर है। इसमें बढ़िया से ना पानी से हम घोल बना लेते हैं क्योंकि इसे बहुत अच्छा होता है। ये बढ़िया से भून चुके हैं, अब डाल देते हैं मसाला। इसको भी 2 मिनट तक भूनने देते हैं। ये असली देसी घी डाल रहे हैं। पनीर है, इसमें थोड़ा सा हम काली मिर्च डाल रहे हैं कश्मीर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा नमक है, पूरा मिला देते हैं इसको। इसको मैं डाल देते हैं, इसको नॉर्मल आंच पे हम फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा क्रीम डाल देते हैं घर का। इसमें ना पहले हम आलू को डाल देते हैं, फिर पनीर डालेंगे। हमारा मसाला एक ग्रेवी एकदम तैयार हो चुका था, इसी में डाल देते हैं पनीर। इसमें ना हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा हम ढीला करेंगे क्योंकि मुझे सीधा ऐसा चाहिए। इसको ना ढक देते हैं 5 से 7 मिनट तक। चलिए खोल कर देखते हैं। तो देखिए हमारा ये रेसिपी कैसा बनकर एकदम तैयार है। देखिए निकाल कर दिखा देते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कैसी लगी हमारी वीडियो? वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। भी जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि उसी तरह के वीडियो हम लाती रहती हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।